हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि माइग्रेन के दर्द के बारे में, मतलब सिर दर्द जो होता है, माइग्रेन, माइग्रेन जिसको बोलते हैं, तो इसमें आधा सर दर्द होता है, कभी बायां होता है, कभी दाहिना होता है। और वो सिर दर्द इतना तीव्र स्वरूप का होता है, इतना अति भयंकर हो जाता है और उसका अटैक आता है, और फिर वह अटैक में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों को इतना ज़्यादा, मतलब उसका जोर रहता है दर्द, कि उसको सहा नहीं जाता, बहुत ही तकलीफ हो जाती है। और एक बार एक अटैक आने के बाद में वो अटैक उसको आधे घंटे से लेके 4 घंटे तक रह सकता है, कुछ लोगों को पूरा एक दिन लगता है। तो कुछ लोगों को थोड़ा दर्द हो जाता है और आधे के घंटे में वो ठीक हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो दो प्रकार की है कि एक बार वो अटैक आने के बाद में वो अटैक को रोकना या उसका एबॉर्शन करना, मतलब एबॉर्टिव ट्रीटमेंट है वो। तो एबॉर्टिव ट्रीटमेंट जो है कि अटैक आने के बाद में अभी उसके ऊपर हमने हावी होना मेडिसिन ने, और उसके लिए फिर इंजेक्शन है, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामॉल है, नेफ्रोक्सन है, या फिर और ऐसी कोई दवाइयाँ कि जिससे वो जो तीव्र स्वरूप का जो झटका आ रहा है वो झटका उसको एबॉर्शन किया जाए, एबॉर्टिव ट्रीटमेंट उसकी किया जाए, तो वो झटका तो निकल जाएगा। वो इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि एक तो उल्टियाँ कुछ लोगों को हो जाती है, कुछ लोगों को जी मचलाता है तो कुछ लेने की भी इच्छा नहीं होती, और बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो जाता है। कुछ लोगों को यह दर्द आने के पहले उसकी इंटीमेशन मिल जाती है, आंखों के सामने कोई तारे चमकना या कोई ऐसे पिक्चर दिखना, कुछ तभी है ना, कुछ तभी आवाज़ कान में आना या चक्कर आना, ऐसा कुछ तभी उसको लगता है, और थोड़ा थोड़ा शुरू होकर फिर एकदम एक्यूट अटैक आ जाता है। तो वह जब उसको इंटीमेशन मिल जाती है, उस समय यह दवाई ले लिया तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, और वो अटैक आएंगे ही नहीं। मगर वो अटैक यदि आता है तो फिर उसके बाद में इंजेक्शन लो, दवाई लो और वो अटैक को समाप्त कर डालो। अब सवाल आता है कि ये अटैक आने के बाद में फिर अटैक ना आए, इसके लिए क्या किया जाए, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट। तो यदि इस प्रकार के अटैक यदि महीने में एक या दो आते हैं तो फिर प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अटैक नहीं आना चाहिए, इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दो बार आ रहे हैं, जब आएंगे तब उसका इलाज कर डालो। मगर ये अटैक 4 या 5 बार महीने में आते हैं और एक एक दिन उसमें पूरा खराब हो जाता है, तो ये अटैक नहीं आना चाहिए, फिर उसके लिए दवा लेना जरूरी है। और उसमें फिर प्रोप्रेनोलॉल जो है वो सबसे अच्छी दवाई है, कि जो दवाई दिया तो फिर अटैक्स नहीं आते। उसमें वैलप्रोएट भी है, कुछ लोग टोपिरामेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अलग अलग काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं कि जो दवाई से ये जो आने वाला अटैक है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका रोकथाम कर सकते हैं। मगर कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कि एक ही अटैक इतना जोर का आता है कि और एक ही अटैक में उनके 4-5 दिन खराब हो जाते हैं, फिर उनके लिए भी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, कि भाई अभी इसके बाद में नहीं आना चाहिए, इसके लिए ज़रूरत उनको भी लगेंगी दवाई की। तो दो प्रकार का है कि एक दो अटैक महीने में आते हैं तो दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, जब आएंगा तब देख लो, तब उसका इलाज करो। 4 या 5 बार एक महीने में आते हैं तो उसका प्रिवेंशन के लिए दवाई करो, या फिर एक ही अटैक बहुत तीव्र स्वरूप का आता है तो फिर भले महीने में एक ही बार आओ मगर उसका भी इलाज करना जरूरी है। माइग्रेन का जो है ना, वो यूजुअली ऐसा होता है कि मतलब इसको साइकोसोमेटिक इलनेस में कहा जाता है, कि भाई कुछ तो भी स्ट्रेस की वजह से ये माइग्रेन हो जाता है। कुछ कुछ लोग जिनको दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है, और वो तनाव कम कर देते हैं या तनाव का मैनेजमेंट कर देते तो उनका अटैक निकल जाता है, हरदम के लिए अटैक आता ही नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी हुई है कि जिसके बारे में उनको दिमाग में ऐसा कुछ ना कुछ तनाव आते रहता है, कोई नुकसान हुआ हो, किसके साथ में रिश्ते खराब हुए हो, माँ बाप के साथ में रिश्ते ठीक नहीं हैं, या पति पत्नी के साथ में मतलब प्रॉब्लम्स है, या फिर बच्चों के कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि जो हरदम के लिए उनके आजू बाजू के वातावरण में तनाव 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 है, और वो तनाव कि इसमें उनको अटैक आना शुरू हो जाता है। तो तनाव का सामना ठीक करने से, मतलब वो ठीक करते हैं और ठीक करने का इलाज करते हैं, तो इधर अटैक भी ठीक हो जाते हैं और हरदम के लिए अटैक ठीक हो सकते हैं।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से उसका सामना करो, उसका वापर करो, रिलैक्सेशन टेक्निक से उसका वापर करो। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम आए नहीं, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उसको प्रिवेंट नहीं करना, प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम आने के बाद में उसको कैसा फेस करना उसका ट्रेनिंग हम देते हैं लोगों को, तो ये अटैक माइग्रेन के आएंगे नहीं। इसका प्रमाण जो है वो लेडीज़ में ज़्यादा है, मतलब दो लेडीज़ तो एक जेंट्स, ऐसा प्रमाण है इसका माइग्रेन का। तो इसका इलाज एक तो प्रिवेंशन है और अटैक आने के बाद में ट्रीटमेंट है, और साइकोलॉजिकल उसको उसका इलाज यदि करते हैं बाय रिलैक्सेशन या बाय हिप्नोसिस, तो ये हरदम के लिए निकल जाएगा। आप ये जरूर, आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो शेयर करो लोगों को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि आपके तरफ मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।